अनूपपुर जिले में सैकड़ों आशा कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनी ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी सुरेश चंद्र राय को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। आशा सहयोगिनी और आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमें उचित वेतन दिया जाए, साथ ही उन्होंने सरकार से आशा सहयोगिनियों के लिए 20,000 और आशा कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 रुपये वेतन निर्धारित करने की मांग की है। ये ज्ञापन आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी द्वारा दिया जा रहा है और ये पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है, जिसमें 28,000 इनके संबंधित विभाग के कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। ये कुछ मांगों को लेके सभी को ज्ञापन दे रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन को, विभाग को, कलेक्टर मैडम को, कि 15 से लेके 19 तक ये हड़ताल पर रहेंगे और इनकी कुछ मांगे हैं जो काफी लंबे समय से शासन के द्वारा तो ये बोला गया था हम 10,000 रुपए सभी को देंगे इनाम के तौर पे काम के बाद, फिर उनको शायद मिल गया है सर, ये सुनने में आया था कि उनको मिला है, हम लोग को नहीं मिला। हम लोग जबकि एक एक घर तक गए हैं कोविड पेशेंटों को दवा नहीं सर पहले नहीं, कि फिर हम लोग बोले बीच में तो हमको सारी सुविधाएं दिया गया है हमारे अधिकारी द्वारा दिया गया है सर। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को सरकार हमारी सुने और हम लोग को कम से कम जीने लायक वेतन।